आंगनबाड़ी बहनों, आज सभी लोगों का इस मुख्य वीडियो में स्वागत है, जहां पे हम बता दें कि प्रदेश शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्रेस में परिवर्तन कर दिया है। आप लोगों को बताया भी गया था बहनों कि नवंबर माह से जो है कि आप लोगों का गुलाबी ड्रेस बदल के पीला रंग का ड्रेस दिया जाएगा, जिसका आदेश जारी हुआ है। सिर्फ परमिशन मिलने की ज़रूरत है। जी हाँ, शासन ने अभी तक ग्रांट नहीं किया है, सिर्फ ऑर्डर ही दिया है, आदेश पारित है। अब आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी गुलाबी एवं सहायिकाएं पीले रंग की साड़ी में भी नज़र आएंगी। हमने आपको दिखाया भी है पिछले कई खबरों में, वीडियो में, कि गुलाबी रंग की साड़ी को ज़्यादा ठीक बता रही हैं। 50% से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें बोल रही हैं गुलाबी रंग की ही साड़ी हमारी सही है, पीले रंग की साड़ी को के से बदला ना जाए, क्योंकि पीले रंग की साड़ी की एक तो गुणवत्ता भी ख़राब है और साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी दाग धब्बा लगने के बाद वह साड़ी और भी ज़्यादा गंदी नज़र आएगी। शासन ने इसका बजट भी जारी कर दिया है, इससे यह चीज़ तो कन्फर्म है कि नवंबर में आप लोगों का ड्रेस बदल कर ही आएगा। अब गुलाबी रंग से बदल के पीला रंग किया जाए, यह तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की सहमति से ही हो सकता है। हम बता दें कि वर्तमान में जो कार्यकर्ता बहनें हैं, जिनकी साड़ी को हम आप दिखाते हैं, एक तो साड़ी प्लेन साड़ी है, कोई भी किसी भी प्रकार की डिजाइनर साड़ी नहीं है, जिन साड़ियों का अब रंग बदला जाएगा। हम यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले साड़ी दिखा देते हैं। यह देखिए बहनों, इस समय मध्य प्रदेश में लगने वाली गुलाबी रंग की साड़ी है, प्लेन गुलाबी रंग की साड़ी है, जहाँ पर गहरे स्ट्रेट रंग का, नीले रंग का, गहरे स्ट्रेट नीले रंग का बॉर्डर है। और इस साड़ी को आधे से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के द्वारा पसंद किया गया है कि यह साड़ी जल्दी गंदी भी समझ नहीं आती है, 2 से 3 बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऊपर से साड़ी का कलर उनको ठीक लगा। वहीं हम बता दें कि शासन से पहले साड़ी का रंग बदलने की मांग भी कार्यकर्ता बहनों ने खुद ही की थी, जिसके बाद विभाग ने इस चीज़ पे विचार विमर्श किया और फिर मंजूरी दे दी। अब बदले जाने के बाद जो साड़ी का रंग है, आप देख सकते हैं इस तरीके के पीले रंग का रहेगा, जिसमें प्लेन पीली रंग की साड़ी रहेगी, जिसमें गोल्डन ब्राउन रंग का स्ट्रेट बॉर्डर का पट्टा होगा, स्ट्रेट बॉर्डर होगा। तो आप देख ही सकते हैं ये, और इस साड़ी की अगर गुणवत्ता की बात करें, हमको तो नहीं लगता कि जो इसका बॉर्डर है यह ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाले ही कपड़े का है, क्योंकि बॉर्डर के पास से जो साड़ियां हैं वह खिसक जा रही हैं। ये इससे ऐसी पहले भी कई कंप्लेनें आई हैं। हम बता दें कि सरकार ने विचार विमर्श करने के बाद ही बोला है, हालांकि 50% कार्यकर्ताओं की सहमति बनी है, और 50% कार्यकर्ताओं की सहमति नहीं मिल बनी है। बहनों, आप भी कमेंट करके हमको बताइएगा कि यह गुलाबी रंग की साड़ी ही ठीक है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, या फिर यह पीले रंग की जो साड़ी है यह ठीक है। हम बता दें, सहमति के बाद ही शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के ड्रेस में परिवर्तन कर दिया है, इसके लिए बजट भी जारी हो चुका है। और हम बता दें कि 1500 रुपये जब आपके आंगनबाड़ी मानदेय वाले खाते में आएगा, सिर्फ साड़ी और ड्रेस खरीदने का पैसा, जो कि पहले मात्र 800 रुपये थे, लेकिन उसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया गया था, तो नवंबर में जब आपके साड़ी का पैसा आएगा, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजरों के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे, तब इस चीज़ से क्लियर होगा कि मध्य प्रदेश में अभी भी सबकी सहमति से गुलाबी रंग की ही यह साड़ी लगेगी, या फिर जो विचार विमर्श करके साड़ी का रंग बदला गया है, जिस पे सभी कार्यकर्ता का, एकता यूनियन सचिवों का भी यह कहना है कि ऐसी साड़ी पहनने पर उनमें सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी कहा है कि उनको गुलाबी रंग की यह साड़ी पहनने में शर्म महसूस होती है, वह खुद को अपमानित महसूस करती हैं। तो वहीं पे मुख्य सचिव एकता यूनियन के द्वारा यह बोला गया कि यह इस साड़ी को रंग बदलने से मन भी बदलेगा, सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी, तो इसलिए साड़ी का रंग बदला जाना चाहिए। पर हमारे हिसाब से देखा जाए तो साड़ी का रंग बिल्कुल बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह गुलाबी रंग की साड़ी हर एक ज़रूरी एंगल पे भी जो है कि खरी उतरती है, हर एक कंडीशन में, स्थिति में, और इस प्रकार से देखा जाए तो गुलाबी रंग की यह साड़ी ज़्यादा सही है।
तो बहनों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी से जुड़े कोई भी आपके सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट करके बहनों ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आंगनबाड़ी की यह खबरें पहुँच सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों शेयर करने के बाद चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की सभी खबरें आपको समय से मिलती रहें, और वीडियो को बहनों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बहनों मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं और भी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बहनों नमस्कार।